स्टूडेंट्स, आई एम योर पूना मैम एंड वी आर रीडिंग लेसन नंबर 6, वंडरफुल कलाम। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव रेड इट्स फर्स्ट पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू रीड इट्स सेकेंड पार्ट ऑन पेज नंबर 52। सो लेट वी स्टार्ट। आफ्टर ग्रेजुएटिंग डॉक्टर कलाम जॉइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिस्ट। तो ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO को ज्वाइन किया एज अ साइंटिस्ट। अब ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा संगठन है जो हमारे देश की डिफेंस मीन्स रक्षा, हमारे देश की रक्षा पे जो रिसर्च किया जाता है उसके लिए बनाया हुआ संस्थान है, और इसके साथ में ही हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के विकास के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है DRDO। उसी को डॉक्टर कलाम ने ज्वाइन किया अपनी ग्रेजुएशन के बाद एज अ साइंटिस्ट। ओके, ही स्टार्टेड हिज कैरियर बाय डिजाइनिंग अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फॉर द इंडियन आर्मी। उन्होंने अपना कैरियर एक छोटा हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन करके स्टार्ट किया। एट DRDO ही वॉज अंडर द ट्यूटलेज ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जब उन्होंने DRDO में ज्वाइन किया तो वहां पे वो किसके संरक्षण में मीन्स किसके अंडर में काम कर रहे थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, द रीनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट। तो विक्रम साराभाई कौन थे? बहुत प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई। साराभाई वॉज पिवोटल इन शेपिंग डॉक्टर कलाम्स कैरियर एज अ साइंटिस्ट। तो साराभाई की बहुत मुख्य भूमिका थी डॉक्टर कलाम को साइंटिस्ट के रूप में उनका कैरियर बनाने के लिए, विक्रम साराभाई की बहुत ही मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट पेज। इन 1969 डॉक्टर कलाम ज्वाइन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। 1969 में डॉक्टर कलाम ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहते हैं शॉर्ट में, उसको ज्वाइन किया। इसके नाम से ही आपको पता पड़ रहा है भारतीय स्पेस, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, रिसर्च मीन्स अनुसंधान। तो ऐसा संगठन जो कि हमारे अंतरिक्ष पर रिसर्च करता है उसका नाम है इसरो। ओके, ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो डॉक्टर कलाम थे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे किस चीज के? इंडिया के फर्स्ट, इंडिजिनस का मीनिंग हमने पढ़ा स्वदेशी, जो कि हमारे देश में ही बनी है, ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के व्हीकल का। मींस जो डॉक्टर कलाम थे वो हमारे स्वदेशी सैटेलाइट को लॉन्च करने के व्हीकल के फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ओके, डॉक्टर कलाम्स टीम ऑफ साइंटिस्ट सक्सेसफुली डिप्लॉयड द रोहिणी सैटेलाइट नियर अर्थ्स ऑर्बिट इन जुलाई 1980। तो जुलाई 1980 में डॉक्टर कलाम की जो टीम थी, जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो पूरा टीम में करते हैं, एक जना नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर कलाम की जो टीम थी साइंटिस्ट की, उन्होंने सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को हमारे अर्थ की ऑर्बिट के पास में इसको डिप्लॉय किया। सो स्टूडेंट्स, सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो प्लेनेट के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून है, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो रोहिणी सैटेलाइट है वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में से ही एक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर ही विल बी बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग मिसाइल्स। लेकिन उनको मिसाइल्स डेवलपिंग के वर्क के लिए याद किया जाएगा। डॉक्टर कलाम कंसीव्ड द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP फॉर 5 इंडिजिनस मिसाइल्स।
तो जो डॉक्टर कलाम है उन्होंने कंसीव्ड किया यानी विचार किया, किस चीज पे विचार किया कि जो 5 स्वदेशी मिसाइल्स हैं हमारे देश की, 5 स्वदेशी मिसाइल्स हैं। कौन कौन सी मिसाइल्स हैं वो? नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड अग्नि, ये 5 हमारी स्वदेशी मिसाइल्स हैं। तो इनको एकीकृत करके उन्होंने ये विचार किया कि उन 5 मिसाइल्स को एकीकृत करके एक प्रोग्राम बनाया उस पे, और उस प्रोग्राम का क्या नाम है? IGMDP, यानी कि गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998। तो 1998 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें भी उनका मेन रोल था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1992 डॉक्टर कलाम वाज अपॉइंटेड एज द साइंटिफिक एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो 1992 में डॉक्टर कलाम को वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में रक्षा मंत्रालय में अपॉइंट किया गया। ही लेटर ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद में उन्होंने किस रूप में कार्य किया? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम किया। इन 1998 डॉक्टर कलाम प्रपोज्ड अ कंट्री वाइड प्लान कॉल्ड टेक्नोलॉजी विजन 2020। 1998 में डॉक्टर कलाम ने एक देशव्यापी प्लान के लिए प्रपोज किया, और उस प्लान का क्या नाम था? टेक्नोलॉजी विजन 2020। ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020। तो ये जो प्लान था टेक्नोलॉजी विजन 2020, उन्होंने इसमें ये बताया कि ये एक रोड मैप है, ये एक रास्ता बताता है कहाँ के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हमारा जो इंडिया है उसको हम चेंज कर दें विकसित देश के रूप में 2020 तक। ओके, द प्लान कॉल्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एम्फेसाइजिंग टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड widening the access to health care and education। तो ये जो प्लान था technology vision 2020, इस प्लान में उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया था? उन्होंने ये बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, जो हमारी कृषि से संबंधित उत्पादन की जो भी एक्टिविटीज है उनको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, एंड एम्फेसिस टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारे देश की आर्थिक वृद्धि की दर है, उसमें टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया जाए, एंड वाइडनिंग द एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। और हेल्थ केयर, जो भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षाएं हैं, और जो एजुकेशन है उसकी पहुंच सब तक हो, मीन्स कि इस टेक्नोलॉजी विजन 2020 में डॉक्टर कलाम ने जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्लान बताए, और उसके साथ में उन्होंने बताया कि हमारी टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज करके हम किस तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी आर्थिक वृद्धि है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस प्लान में ये भी बताया कि जो हेल्थ है, स्वास्थ्य से संबंध, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और जो एजुकेशन, पढ़ाई है, शिक्षा है, उसकी पहुंच सब तक हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग लोग हैं उनको ही ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि गरीब लोग हैं, जो कम दर्जे के लोग हैं, उन तक भी ये सुविधाएं आसानी से पहुंचें। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर कलाम सक्सीडेड K.R. Narayan to serve as a president of India from 2002 to 2007. तो डॉक्टर कलाम, K.R. Narayan जी के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 2002 से 2007 तक। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड बैचलर टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन। तो वह पहले साइंटिस्ट
और बैचलर, बैचलर मीन्स कुंवारे जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे पहले थे जिनको कि राष्ट्रपति भवन मिला था. ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल स्टिंट एज द प्रेसिडेंट एंड वॉज अफेक्शनेटली ऑफन रेफर्ड टू एज द पीपल्स प्रेसिडेंट. तो जो कला डॉक्टर कलाम का एज अ राष्ट्रपति कार्यकाल था, जितने टाइम भी वो राष्ट्रपति रहे वो उनका बहुत ही सक्सेसफुल रहा और लोग उनको प्यार से कई बार क्या बुलाते थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों का राष्ट्रपति या जनता का राष्ट्रपति. ही वॉज नॉन फॉर हिज मोटिवेशनल स्पीचेस एंड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो उनको किस लिए जाना जाता है, इन सब के साथ साथ उनको उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल यानी जो हमको मोटिवेट करें, हमको इंस्पायर करें, ऐसी उनकी स्पीचेस होती थी. और वो उनका जो तालमेल था वो स्टूडेंट्स के साथ में, स्पेशली उनको स्टूडेंट्स जो उनको बच्चे हैं बहुत ही उनको प्यारे लगते थे और उनका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा रहता था. डॉक्टर कलाम रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड कैरियर एज अ साइंटिस्ट इन 1997. तो 1997 में डॉक्टर कलाम को बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनके जो महत्वपूर्ण कैरियर है उसमें. ही रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न. तो उनको 1997 में जो सर्वोच्च नागरिक का सम्मान होता है भारत रत्न वो मिला. डॉक्टर कलाम्स 79th बर्थडे वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बाय द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशन ने उनके 79th बर्थडे पे, उनका जो बर्थडे था 79th, तब से उनके बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में घोषित किया. नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर कलाम वॉज अ प्रोलिफिक राइटर टू. इन सब के साथ साथ, इन सब क्वालिटीज होने के साथ साथ डॉक्टर कलाम एक बहुत अच्छे राइटर भी थे. ही ऑथर्ड न्यूमरस इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स. उन्होंने बहुत सारी प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, एंड इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल मीन्स जो कि हमको इंस्पिरेशन दे, हमको प्रेरणा दे, ऐसी बुक्स उन्होंने लिखी. हिज फेमस बुक्स इंक्लूड मिशन इंडिया एंड इंस्पायरिंग थॉट्स. तो उनकी फेमस बुक्स में से कौन कौन सी बुक्स हैं, मिशन इंडिया एंड इंस्पायरिंग थॉट्स. नेक्स्ट पैराग्राफ, On 27 July 2015, Dr. Kalam passed away in Shillong due to heart failure after having collapsed during a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong. 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलोंग में उनका देहांत हो गया था ड्यू टू हार्ट फेलियर, दिल की धड़कन रुक जाने के कारण. आफ्टर हैविंग कोलैप्स ड्यूरिंग ए लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग. तो शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर देने के दौरान उनको वो बेहोश होके गिर गए थे. Despite his immense success in the field of science and technology, तो इन सब के अतिरिक्त जो साइंस के फील्ड में उनकी सक्सेस है और टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनकी सक्सेस है, इन सब के अतिरिक्त डॉक्टर कलाम्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज हिज एबिलिटी टू इंस्पायर जनरेशंस ऑफ यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग. तो उनकी इन जो उपलब्धियां हैं उनके अलावा डॉक्टर कलाम की एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनमें एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इंस्पायर करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि ड्रीम बिग, बड़ा ड्रीम करो, बड़े सपने देखो. हिज लाइफस्टाइल एंड टीचिंग्स कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस ऑल एजेस. उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी टीचिंग है, वो लगातार
हर उम्र के लोगों को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेशन नेवर फॉरगेट्स हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स, हिज एक्शंस एंड थॉट्स विल ऑलवेज इंस्पायरिंग फॉर अस। ही टॉट अस टू ड्रीम बिग। यस, वी मस्ट ड्रीम बिग, बट आवर लाइफस्टाइल शुड बी वेरी सिंपल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। Okay, have a nice day.